हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको नायरा स्टाइल साइड स्लिट अम्ब्रेला कट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसे आप आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, हमने साइड स्लिट बनाई हुई है। आप चाहे तो ऊपर से इसे 2-3 इंच बंद भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसका घेरा है, ये इसका मेज़रमेंट है जिसके अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग करूँगी। और ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है। ये देखिए, इसे हमने पहले लंबाई में फोल्ड किया है इस तरह से। और अब मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखाती हूँ। इसकी चौड़ाई ये देखिए ओपन साइड है, और इसकी चौड़ाई 22 इंची से, और लंबाई में ये 3 मीटर है। और अब हम इसे खोल लेंगे और इसे डबल तह में रहने देंगे। इस तरह से हम इसे फैला लेंगे। ये ओपन साइड हमारी तरफ है, ये देखिए। और इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ओपन साइड हमने अपनी तरफ रखी है, ये देखिए, इसकी 4 तह हैं ओपन। और अब हम इसकी वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट हमारी 32 है, इसका 1/4 करेंगे हम, 8 आएगा। और 1 इंच हमने मार्जिन का लिया है, तो हम यहाँ पर 9 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान दोनों साइड लगा लेंगे हम। और हम इंची टेप को इस तरह से घुमाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे 9 इंचेस पे। इसे एक बार हमने और मेज़र कर लिया, और इसे हम लाइन को ड्रॉ कर देंगे डार्क करके। ये देखिए, 9 इंची से 1 इंच हमने इसमें मार्जिन का लिया है, जो हमारा साइड में फोल्ड में जाएगा। अब हम यहाँ पर 16 इंचेस का अपना इंची टेप रखेंगे, क्योंकि टॉप पार्ट हमारा 16 इंचेस रहेगा। तो हम ऊपर से नीचे तक 45 इंचेस पर निशान लगाएंगे, जहाँ से हमारा इंची टेप है। इस तरह से टॉप पार्ट से नीचे हमने 29 इंचेस रखा है, तो टोटल हमारा 45 इंचेस की लेंथ हुई। और हम इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे 45 इंचेस पे। इस तरह से हमने इसमें 1 इंच मार्जिन का लिया है। हमारी तैयार लेंथ 44 इंचेस है, और इसे हम डार्क कर लेंगे इस तरह से। 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से हमने इसे कट कर दिया है, और साइड से जो हमारा पहले से एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा निकला हुआ था, उसे हम कट कर देंगे। ये देखिए, हमारा नीचे का पार्ट कट चुका है। और हम अपनी स्लीव्स और टॉप पार्ट इस बचे हुए कपड़े में से निकालेंगे। तो हमने अपना टॉप पार्ट निकाला है। टॉप पार्ट की लेंथ हमने 17.5 इंचेस रखी है, थोड़ी लंबी रखी है हमने, जिससे साइड से हमारी कमर ना दिखाई दे चाक से। और उसकी विड्थ हमने 9 इंचेस रखी है। और हम अपनी नेक का निशान लगाएंगे, तो नेक की विड्थ हमने 3 इंचेस रखी है। और बैक नेक की लेंथ हम 5.5 इंचेस रखेंगे, और फ्रंट नेक की हम 6.5 इंचेस रखेंगे। और इस तरह से निशान मार्क कर देंगे, और राउंड शेप में इस तरह से अब हम अपने गले को शेप दे देंगे। बैक की नेक की डीपनेस हमने 6.5 इंचेस रखी है, उसे भी हम इस तरीके से शेप दे देंगे दोनों को। हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर हम रखेंगे 6.5 इंचेस, और आर्म होल हम रखेंगे 6.5 इंचेस। निशान लगाने के बाद हम स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और अब हम अपनी ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्रेस्ट हमारी 36 है, इसका 1/4 करेंगे हम 9, और 2 इंच हमने यहाँ मार्जिन का ऐड किया है, तो हमने 11 इंच पे निशान लगाया है। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ तक। और हम अपनी वेस्ट लेंगे। वेस्ट हमारी 32 है, इसका भी 1/4 करेंगे हम, 8 आएगा। और इसमें 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है, तो 10 पे निशान लगाया हमने। और यहाँ हम फिटिंग के निशान को फिटिंग से मिलाएंगे, और मार्जिन की निशान को मार्जिन से मिला लिया है हमने। और हम अपने आर्म होल की गहराई हम 1.5 इंचेस रखेंगे, बैक के आर्म होल की। और ऊपर से हम 3/4 पे निशान लगाएंगे, आर्म होल का 1/2, 3/4, और उसे इस तरह से शेप दे देंगे। फ्रंट के आर्म होल को 1/2 इंच अंदर की तरफ गहराई देते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। और हम शोल्डर से 1/2 इंच नीचे की तरफ झुकाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हम नीचे मार्जिन लाइन पे 1 इंचेस का निशान लगाएंगे इस तरह से।
उसको शेप दे देंगे इस तरह से, जिससे इसके साइड से कॉर्नर लटकेंगे नहीं। उसे हम कट कर लेंगे, हमने कट कर लिया है। और इसमें से हम अपना बैक का पार्ट निकाल लेंगे और फ्रंट के आर्म होल और नेक की कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमने इनको कट कर दिया है। और अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की लेंथ हमने 17.5 इंचेस रखी है, इसमें 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है। और उसकी विड्थ हमने 9.5 इंचेस रखी है। आर्म होल में हमने 3 इंच प्लस करके ऊपर से हम 2.5 और इधर से हम 3 इंचेस पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम इसको शेप दे देंगे ओपन वाली साइड। मोहरी हम 6 इंचेस रखेंगे, 1 इंच मार्जिन का लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसकी हम कटिंग कर देंगे और बीच में हम कट लगा देंगे। और उसे खोल के हम 1/2 इंच गहराई देते हुए अंदर की कटिंग कर लेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स हमारी कट चुकी है। और अब ये देखिए, हमने उरे पट्टी ली है, ये हमने उल्टी पट्टी रखी है और नेक हमारा सीधा है। इस पर हम इसको स्टिच कर देंगे। स्टिच कर दिया है, एक्स्ट्रा को कट कर देंगे कपड़े को। और इसमें हम कट लगा लेंगे छोटे छोटे और उसे डबल फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ इस तरह से सारे को। हमने ये देखिए अपने गले में पट्टी को अटैच कर लिया है। और ये देखिए हमारे पास 2 पीस है जिससे अपनी नेक का पैटर्न बनाएंगे। इसकी लेंथ हमने 17 इंचेस रखी है और विड्थ हमने 9 इंचेस रखी है, क्योंकि स्टिच में भी जाएगा साइड से तो 8 इंचेस रह जाएगा और नीचे से भी सिलाई में जाएगा। उसके ऊपर हम पेपर पेस्ट बुकरम को चिपका देंगे इस तरह से, ये देखिए। और इसे बीच से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम 15 इंचेस पे निशान लगाएंगे ऊपर से। और इधर से हम 1 इंचेस पे निशान लगाएंगे चौड़ाई में और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब हम नीचे से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और साइड से हम 1 इंचेस पे निशान लगाएंगे। और यहाँ भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे नीचे से, फिर हम 2 इंचेस पे निशान लगाएंगे और साइड से 1 इंचेस पे निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से हमें 2 इंचेस ऊपर रख के पैटर्न तैयार करना है। यहाँ से हम फिर 2 इंचेस पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 1 इंचेस पे, और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग नेक का कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करके दबा देंगे जिससे छप जाए दूसरी साइड भी। ये देखिए अब हम इसको थोड़ा डार्क कर लेंगे चौक से। और इसके ऊपर अब हम ये गोटा पट्टी लगा देंगे इस तरह से, हमें रखनी है और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर अटैच कर देनी है। ये देखिए हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और उस पर लाइन के ऊपर ऊपर इसे अटैच करते जाएंगे। और जब हम साइड में अटैच करेंगे ना तो हमें इसे गोटे को फोल्ड करके तब इस पर रखना है। ये देखिए जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इसे फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ, उस तरह से रख के इस तरह से इस पर अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने गोटे को इस पर लगा दिया है और हम इसके दूसरे पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। सीधी साइड हमें अंदर रखनी है और हम इसे पिन अप कर देंगे अच्छे से, ये देखिए, और इसे फोल्ड कर देंगे। और हम इसके नेक की कटिंग करेंगे। इसकी विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंचेस। टॉप पार्ट की विड्थ हमने नेक की 3 इंचेस रखी थी, उसकी डीपनेस हम 4.25 इंचेस रखेंगे। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। ये हमने टॉप पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई हमने इसकी 4.25 और टॉप पार्ट की हमने 6.5 रखी थी। इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और हम इसके नेक को स्टिच कर देंगे और फिर साइड से हमें इसे स्टिच करना होगा। पहले हम इस और ये हमने डोरी बनाई हुई है, देखिए इसकी लेंथ हमने 20 इंचेस रखी है। और पहले हम अपने नेक को इस तरह से स्टिच कर देंगे। हमने नेक को स्टिच कर दिया है और अब हम ये डोरी लेंगे, इसे इसके अंदर कर देंगे और इसे बीच में इस तरह से अटैच कर लेंगे। डोरी को हमें दबाना नहीं है, बीच में रखना है और इसे स्टिच कर लेंगे नीचे तक।
और दूसरे साइड भी हमें इसी तरह से डोरी को अटैच कर लेना है। पहले हम ऊपर से स्टिच करेंगे और फिर साइड से इसे नीचे तक स्टिच कर देंगे। इस तरह से हमने स्टिच कर दिया और अब हम इस पे कट के निशान लगाएंगे छोटे छोटे, और इसे हम पलट के सीधा कर लेंगे इस तरह से। हमने इसे सीधा कर लिया है, प्रेस कर लिया हमने इस पे, और हम इस लेस को इसके ऊपर अटैच कर देंगे। हमने दोनों साइड से अटैच कर दिया है और हम अपने नेक पे इस तरह से इस लेस को रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए अटैच कर लेंगे। हम इसके किनारे किनारे रखनी है, लेस हमारी थोड़ी चौड़ी है तो हमें इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना इस तरह से, और इसे डबल सिलाई मार लेनी है इस तरह से। हमारा पैटर्न बन के रेडी हो गया है और हम अपने टॉप पार्ट के सेंटर में हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। ये सीधी साइड है और उसके सेंटर पे भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसे हम इसके ऊपर रखेंगे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए इस तरह से, और इसे हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे नीचे से स्टिच कर लिया है पूरे को। अभी हमारा बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम अपने फ्रंट का पार्ट रखेंगे। बैक के नेक की पट्टी से मिलाते हुए इस साइड से भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने स्टिच कर लिया है और हम इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करके इसे स्टिच कर लेंगे। दोनों शोल्डर को हमने स्टिच कर लिया है और हम अपनी स्लीव्स लेंगे। स्लीव्स को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम सेंटर से मिलाते हुए हमें गहरी वाली साइड स्लीव्स की फ्रंट की तरफ रखनी है और इसको अटैच कर लेंगे पूरे को। और दूसरी स्लीव्स को भी हम इसी तरह से उल्टा रखेंगे और उस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने अपनी स्लीव्स को अटैच कर लिया है और बीच में से हम इस तरह से इसे रखेंगे और हम इसकी फिटिंग का निशान लगाएंगे। हम अपनी मोहरी के अकॉर्डिंग इस पे निशान लगाएंगे इस तरह से। मोहरी हमारी 5 इंच थी, इस तरह से हम निशान अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लगा लेंगे। और इसको हम निशान लगाने के बाद स्टिच कर लेंगे इस तरह से। हमने इन्हें स्टिच कर लिया है और हम इसे सीधा कर देंगे इस तरह से। ये हमारा टॉप पार्ट बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और हम इसका घेरा लेंगे नीचे का। ये हमारे पास 2 पीस है, इसमें से हम एक पीस निकाल लेंगे और टॉप पार्ट से मिलाएंगे, ये देखिए। और इसमें जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड में ले लेंगे इस तरह से। हम जॉइंट से मिला के रखेंगे सेंटर से सेंटर को, और जो एक्स्ट्रा बच रहा है हमारा घेरे का उसे हम 1 इंच फोल्ड में ले लेंगे इस तरह से। हम डबल फोल्ड करेंगे नीचे तक और दूसरी साइड से भी हम डबल फोल्ड कर लेंगे नीचे तक, और नीचे से भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है पूरे घेरे को। ये देखिए हमने इन्हें स्टिच कर लिया है साइड से और नीचे से बॉटम को, और अब हम इस लेस को इस पर अटैच कर देंगे इधर से भी और नीचे घेरे में भी। ये देखिए हमने लेस को इस पर अटैच कर दिया है। बैक पार्ट को भी हमने ऐसे ही तैयार कर दिया है इसके, ये देखिए। और हमने ये टॉप पार्ट लिया है अपना, हमने स्लीव्स पे भी इस लेस को अटैच कर दिया है, और हम इसके सेंटर में निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इसके भी हम सेंटर में निशान लगा लेंगे, और इसे इस तरीके से उल्टा रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए। हम इसे स्टिच कर लेंगे जहाँ तक हमारा जॉइंट है कमर का, और इस साइड से भी। हमें इसे खींच के नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्टिच करना है, वरना हमारा पार्ट बड़ा हो जाएगा यदि हम खींच के रखेंगे नीचे वाले पार्ट को। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे।
बिल्कुल कमर की सिलाई तक हमें इसे स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं आगे पीछे से, और साइड से देखिए साइड से भी हमने इसे स्टिच कर दिया। ये देखिए दोनों आमने सामने हमारे पार्ट, आगे का और पीछे का, इधर से भी। और ये देखिए हमारी कुर्ती बनके रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही प्यारी लगेगी। और इसके बीच में हम ये मोती लगा देंगे इस तरह से। आप भी इस कुर्ती को बनाएं, यह बनने के बाद बहुत ही प्यारी लगेगी। थैंक यू।